प्रोग्राम फाइल को नुकसान पहुंचाता है, जैसे आपका कंप्यूटर प्रॉपर वे में काम नहीं करता है। अब जब प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा तो आप क्या कराएंगे, उसके लिए कुछ मेडिसिन लेंगे ना। शरीर हमारा काम नहीं कर रहा, स्वास्थ्य नहीं कर रहा, तो मेडिसिन लेंगे ना। तो कंप्यूटर भी काम नहीं कर रहा तो उसके बचाव को ढूंढेंगे, फाइल को बचाने के बचाव को ढूंढें। तो ये लोग क्या किए, पहले वायरस बनाए, जैसे कि आप क्रिस 3 मूवी देखे होंगे विवेक ओबराय वाला, तो पहले क्या किया गया, वायरस फैलाया गया और फिर उसके एंटीडोट्स बेचने की प्रक्रिया हुई, यही कर रहा था वो। तो पहले लोग बीमार नहीं होगा, हमारा भारत जो है विकास क्यों नहीं कर रहा, उसके पीछे यही हमारे नेता लोगों की माइंड साइकोलॉजी है। लोग अगर विकास कर जाएंगे तो नेताजी का कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे। लोगों को 5 किलो गेहूं 10 किलो अनाज देकर इतना खुश कर दिए कि उससे ज़्यादा सोच नहीं सकते। सबसे बड़ा प्राइम इंस्ट्रूमेंट होता है एजुकेशन। अगर आपको अच्छी शिक्षा दी जाए तो किसी के सामने या किसी के सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आज नौकरी नहीं भी करेंगे तो उतना कमा लेंगे जिससे मेरा परिवार चल सकता है। 50-60 हैं, 50-60 हज़ार रुपया हमारे पास आएगा ना, कितनों खर्च करेंगे, 30 हज़ार रुपया संस्था, 25-30 हज़ार तो कमाई ही लेंगे, 25-30 हज़ार में मेरा परिवार चल जाएगा, हम लोग जिस माहौल में नहीं चल जाएगा। आप लोग थोड़ा ज़्यादा कमाने का आशा रखते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि 25-30 हज़ार में हम परिवार को चला सकते हैं। अगर हम जॉब नहीं भी करेंगे चल जाएगा, इसके पीछे क्या है कि हमको कंप्यूटर अच्छा नॉलेज है तब ना बच्चे को पढ़ा लेते हैं, अगर नहीं जानते तो एजुकेशन जब बेस्ट होगा ना तो किसी के आपके सहयोग की स्केप फोल्डिंग की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हमारी सरकार जो है शिक्षा पर कम ध्यान देकर बिल्डिंग को भव्य बनाने की बात हो रही है, अच्छे शिक्षक को नहीं बहाल करके ऐसे टीचर की बहाल की गई जिसको खुद ज्ञान नहीं। आज शिक्षा में बिहार की इतनी बदनामी हो रही है, इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? आपको सुनकर एक दिन और चर्चा किए थे, आश्चर्य होगा कि 10th के एग्ज़ाम में आप इंग्लिश विषय में आप एपियर नहीं होते हैं तो फेल हो जाएंगे और एपियर होके फेल हो गए तो पास हो जाएंगे। ये क्या मतलब, 10th का आप एग्ज़ाम दिए, इंग्लिश कंपलसरी नहीं है तो एग्ज़ाम दे या ना दे, लेकिन ऐसी बात नहीं, आप एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम दिए आपको 20 नंबर है तभी आपका रिजल्ट हो जाएगा पास। तो क्या मतलब है, अगर अच्छा बताइए कि आप जिस काम के लिए जाते हैं, किसी रिलेशन में जाते हैं और आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन वहाँ कोई चाय के लिए भी नहीं पूछता है तो क्या वहाँ जाना पसंद करेंगे? उस परीक्षा के मार्क्स का क्या महत्व जिसको डर ही नहीं कि फेल होंगे तैयो पास होंगे तैयो। बिना मतलब के उतने विद्यार्थी, 17 लाख विद्यार्थी जो 10th का फॉर्म भरे हैं इस साल, 17 लाख, उतना विद्यार्थी मोटरसाइकिल साइकिल बस से गए और एग्ज़ाम दे के आए। एक अगर विद्यार्थी 1 रुपया खर्च किया तो हमारे राज्य का 17 लाख खर्च हुआ। आपको लग रहा है 1 रुपया, 1 रुपया से कम कोई खर्च किए होंगे जाने आने में? 17 लाख रुपया बेवजह बर्बाद हुआ, एक क्वेश्चन बनाने में, पेपर बनाने में 1 रुपया खर्च हुआ होगा तो 17 लाख रुपया खर्च हुआ। क्वेश्चन पेपर हुआ, आंसर शीट हो गया, अटेंडेंस शीट हो गया, टीचर हो गए और गार्जियन भी गए, बच्चे भी गए। अब इसको गुना करिएगा तो करोड़ों में हमारा देश का नुकसान हो गया और जिसके रिजल्ट का कोई महत्व नहीं है। आप महत्व दीजिए तो समय बर्बाद करेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे। अब जिस चीज़ का महत्व ही नहीं दे रहे हैं उसके लिए आप पैसे बर्बाद कर रहे हैं तो यह बुद्धिमत्ता हो गया कि बेवकूफ़ी हुआ? सीधी बात है ना, बुद्धिमत्ता हुआ। आप यहाँ आए और सीखे ही कुछ भी नहीं, एक भी पॉइंट नहीं सीखे तो आपके आने जाने की जो ऊर्जा है, समय, ये तो बर्बाद हो गया। 1000 बात आप नहीं सीखे, 2 बात ही सीखे तो कुछ उपलब्धि हुआ। कम से कम ये भी तो रहता कि जितना नंबर लाएंगे उतना ही जोड़ देंगे, चाहे 20 लाएँ चाहे 80 लाएँ, तब ना अधिक लाने के लोगों में होर होता, कुछ बेहतर करने का प्रयास करता। अब अधिक लाए तैयो कोई वैल्यू नहीं है, फेल कर गए तैयो कोई वैल्यू नहीं, लेकिन एपीआर नहीं हुए तो फेल हो गए, क्या मतलब है? कोई मतलब है? अभी सोनू कुमार के वीडियो को वायरल करके लोगों को मूव कराया जा रहा है। वह क्या कहा कि हमारे विद्यालय के दीपक सर जी हैं, उनको इंग्लिश पढ़ाने नहीं आता है और हम आईएएस कैसे बनेंगे बिना इंग्लिश के। तो आप ये बताइए कि प्राइमरी स्कूल में टीचर की बहाली होने के लिए क्या इंग्लिश विषय का सरकार ने अनिवार्यता दिया है? डीएलएड करते हैं आप, बीएड करते हैं, इंग्लिश लीजिए चाहे नहीं लीजिए कोई मतलब नहीं।
तो 1 to 5 के जो टीचर बहाल हुए हैं बिहार में, वह इंटर बेसिस पर हुए हैं और ट्रेनिंग इंटर में आज से 2 साल पहले की बात कर लें तो आप 150 का हिंदी लेकर 50 इंग्लिश लेकर भी इंटरमीडिएट कर सकते थे। और बहुत जगह तो ऐसा भी है कि इंग्लिश के जगह पर मैथिली और कुछ भी लेकर भी पास हो सकते हैं। जब वहाँ इंग्लिश की अनिवार्यता नहीं है तो बच्चे को इंग्लिश टीचर कैसे पढ़ाएंगे, इसे उम्मीद कैसे कर सकते हैं। लेकिन ऐसा प्रश्न पूछने वाला मीडिया वाला कोई है ही नहीं। आपने इंटरमीडिएट स्तर पर टीचर की बहाली की और इंटरमीडिएट तक बिहार में इंग्लिश का कोई महत्व नहीं दिया। इधर 2 साल से अनिवार्य कर दिया कि 100 का हिंदी और 100 का इंग्लिश, तो मजबूरी बस पढ़ेंगे। लेकिन 10th तक क्या है, एक तो अनिवार्य नहीं है। उसके बाद ट्रेनिंग की बात करते हैं तो आप इंग्लिश लें या चाहे नहीं लें, अभी भी DLED करने वाले, CTET के फॉर्म भरने वाले मैक्सिमम विद्यार्थी संस्कृत से भर के चले जाते हैं। तो इंग्लिश का आप महत्व आप अनिवार्य करिए ना लैंग्वेज को, तब ना लोगों को जान। अब उसमें अनिवार्य नहीं है और उससे उम्मीद करते हैं, हमने लेबर हायर किया 200 रुपया वाला और उसको कहेंगे दीवार जोड़ो मिस्त्री की तरह, तो टेढ़ा ही ना जोड़ेगा, गलत ही ना काम करेगा। आप उसको पेमेंट दे रहे हैं 1500 का महीना और उससे उम्मीद करेंगे 25,000 का काम करेगा, ऐसा संभव है? अगर हमें वास्तव में 25,000 कमाने की क्षमता है तो 1500 का नौकरी करने कभी जाएंगे? उसमें वैसे ही लोग गए जिसकी वह क्षमता नहीं थी, 2000-4000 कमाने लायक क्षमता नहीं थी, सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ। इस पर कोई प्रश्न करने वाला है? कोई प्रश्न करने वाला नहीं। टीचर को सीधे आप टीचर को दिल्ली के जगह पर लिल्ली लिखता है, संडे को संडी लिखता है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप परीक्षा अच्छे से कंडक्ट नहीं करा रहे हैं, उस सर्टिफिकेट का आप महत्व दिए जिस पर बहाल हुआ, तो परीक्षा आप पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी के साथ कराएंगे ना? यहाँ परीक्षा में धांधली हो रहा है, क्वेश्चन आउट हो जा रहा है, किसी तरह से डिग्रियाँ मिल जा रही है। आप बहाल करने से पहले एक बार भी किसी मानक को देखें कि इसको संडे भी लिखने आता। अभी बिहार में ऐसे भी बहुत सारे टीचर हैं जिसको अपना आवेदन लिखने नहीं आता है, ए से जेड तक सही से लिखने नहीं आता, उसके ए फॉर एप्पल होता है ये पढ़ाने नहीं आता, तो कैसे पढ़ाएंगे? इसके मानक को कोई देखा ही नहीं गया कि वो पढ़ाने लायक हैं कि नहीं, टीचर बनने के लायक हैं कि नहीं है। और इस पर खाली टीचर को बंद, आप बहाली के सिस्टम, जैसे कि UPSC में कोई अनपढ़ ग्राम गंवार जाता है कलेक्टर बन के, क्योंकि उसके मानक उस स्टैंडर्ड को रखा गया है, वैसे ही लोग जाएंगे जिसमें विद्वता होगी, वैसे ही लोग जाएंगे। तो आप टीचर के भी एक मानक को रखेंगे तब ना, अब कहे कि जो आओ सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ, मुखिया जी को 1-2 लाख रुपया दिए। और ऐसा कई विवाद सामने आया, कैसे बहुत सारे वीडियो क्लिप्स वगैरह या ऑडियो क्लिप्स वायरल हुए, लेकिन इसकी देखरेख करने वाला कौन है? मीडिया पूछने वाला कौन है? मीडिया सीधा टीचर के मुंह के पास लादा ये बताइए। उसी मीडिया से यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत में जर्नलिज्म कब से शुरू हुआ, स्वतंत्र मतलब पत्रकारिता को स्वतंत्रता कब मिली, कितने देशों में मीडिया को स्वतंत्रता है, क्या मीडिया वाला जवाब दे पाएगा? सीधे आके पूछता है प्रधानमंत्री का, हाँ ये बातें हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का नाम कोई टीचर नहीं जानता है तो बहुत अशोभनीय है। अब उससे ऐसे भी सवाल पूछ देते हैं IAS का फुल फॉर्म क्या होता है, अब पढ़ा रहा 1 to 5 A4 एप्पल पढ़ा रहा, IAS का फुल फॉर्म उसको पता रहता, IAS कैसे तैयारी होता, तो IAS बनने जाता कि वही A4 एप्पल पढ़ाता है? स्वाभाविक बात है, हम खेती कर रहे हैं तो हमको शिक्षक ऐसा गुण नहीं है, हम शिक्षक हैं तो हमको IAS ऐसा गुण नहीं है, कोई IAS है तो उसको जज ऐसा गुण नहीं है, प्रधानमंत्री ऐसा गुण नहीं है। नहीं तो ऐसा गुण रहता तो सब प्रधानमंत्री बनना चाहता, कौन चाहता है कि नीचे रहे? जिसमें जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको, तो उसी स्तर पर ना हुआ काम करेगा तो सीधे बदनाम किया जाता है कि हमने स्कूल बना दिया। इस आप दो ही शिक्षक रखिए, पहले के टीचर विद्वान हुआ करते थे और 2 से 3 टीचर में ही पूरे स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती थी। अभी क्या है, मानक घटा दिया गया है, आपके सिलेबस को छोटा कर दिया गया। हम लोग जिस समय देते थे 900 का इंटरमीडिएट होता था, आप लोग 500 पे अटक गए। हम लोग मैट्रिक 700 का देते थे, आप लोग 500, तो आपको ज्ञान भी तो उसी लेवल का होगा। इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, तो ये सब बहुत सारी कमियां है, सिस्टम को बदलने की जरूरत है, लेकिन इस पर कोई फोकस ही नहीं कर रहा है। आप बीमारी को ढूंढेंगे ना, अभी भी सरकार चाहेगा तो कर सकता है, जो बहाल हो गया सो हो गया। प्राइमरी टीचर सबसे विद्वान होना चाहिए क्योंकि वहीं से बेस तैयार होता है। आप लाख नहीं 5 लाख 2 लाख का महीना खर्च करना हो तो खर्च करें, 2 ही टीचर की बहाली करें, अच्छे टीचर जिसको टप से टप UPSC के तहत उसको एग्जाम लिया जाए, उस लेवल का लिया जाए। BPSC का क्वेश्चन आउट हो जाता है तो DLED का क्या करिएगा बताइए, तो क्या करिएगा? अभी तक जितने भी ट्रेनिंग कॉल,
एग्जाम्पल, इससे पहले ने बीएसएससी का नहीं हुआ था, इससे पहले भी बीएसएससी का हुआ है, कितना क्वेश्चन आउट हुआ है। बिहार में तो जो एग्जाम होता है आउट ही हो जाता है, ऐसा बहुत सारा देखने के लिए आया। तो देखिए डीएलएड, अभी तक डीएलएड में जो एडमिशन होते आया है वह मार्क्स बेसिस पर हुआ है, और सीबीएसई वाले बच्चे क्या होते हैं, उनको मार्क्स अधिक होता है और वह सब चले जाते हैं, बिहार बोर्ड वाले नहीं होते, मानक ही नहीं है। तो बहुत सारी कमियां हैं, इसको सुधारने की आवश्यकता है। और जब तक इस पर, और इसको कौन सुधारेगा, राजनेता। और राजनेता की सीधी मूल बातें समझ लीजिए कि वह यह चाहते हैं कि लोगों के पास ज्ञान ही नहीं हो जो हमसे प्रश्न करे, और जो प्रश्न करेगा तो उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। अभी भारत में वही स्थिति बनी हुई है, जो प्रश्न करता है उसको किसी न किसी केस में फंसा दिया जाता है। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे समाज को सुधारने की आवश्यकता है, कम से कम हम लोग तो पैटर्न पे लाएंगे, सिस्टम को बदलने का प्रयास करेंगे, अच्छे लोगों का महत्व देंगे, और जो अच्छे लोग नहीं हैं उसको सभी को महत्व देना है, लेकिन जो जिस काम के लायक हैं उससे उसी अकॉर्डिंग काम कराया जाए। लेकिन यहाँ क्या देखें कि जिनके पास बीएड डीएलएड का डिग्री है, आइए नौकरी मिल जाएगा। अभी भी सीटेट को मानक नहीं रखा गया है, अभी भी जो बहाली हो रही है, कुछ दिन पहले हुआ है, अब सातवां चरण की बहाली होगी, इसमें भी सीटेट के रिजल्ट को मानक नहीं रखा गया। आप 2 साल पहले हो सकते हैं कि अच्छे विद्यार्थी थे, 5 साल पहले हो सकते हैं कि अच्छे विद्यार्थी थे, अभी है कि नहीं इसकी गारंटी है? आपको पूछे कि क्लास 5 की कविता को बताइए तो बता पाएंगे क्या? क्लास 5 के समय अच्छे विद्यार्थी नहीं थे? तो जब ने आपने सीटेट एग्जाम लिया, टीईटी एग्जाम लिया, तो इसके मार्क्स के बेसिस पर क्यों नहीं बहाली करें? कहता है कि मैट्रिक में मार्क, इंटर के मार्क्स को जोड़िए, फिर उसका परसेंटेज निकालिए, फिर बहाली करिए। जिस समय हमने 10th किया उस समय हो सकता है अच्छे विद्यार्थी थे, लेकिन अभी पढ़ाई छोड़ दिए, अभी पढ़ाई छोड़ दिए, मेरा पढ़ाई का स्तर गिर जाएगा, स्वाभाविक है 5 साल में गिर जाएगा। तो अभी का स्तर के हिसाब से बहाली होनी चाहिए कि 5 साल पहले का? कोई हो सकता है कि 5 साल पहले कमजोर था, अब पढ़ाई करके आगे बढ़ा, उसकी स्थिति अब 120 अंक लाने वाले सीटेट वाले को अगर मैट्रिक इंटर में कम नंबर है तो उसकी बहाली नहीं होगी, और सीटेट में 90 नंबर लाया, मैट्रिक इंटर में अधिक नंबर है तो उसकी बहाली हो जाएगी। तो कभी भी किसी के वर्तमान के साथ ही काम करना चाहिए। जैसे कि आप अगर अभी ईमानदार हैं तो आपके साथ हम बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि 2 साल पहले आपका स्थिति अच्छा नहीं था, आपके बिहेवियर अच्छा नहीं था, उसको देखकर हम आपके साथ बिजनेस टर्म नहीं करेंगे। 2 साल पहले आप नहीं पढ़ते थे, अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी वर्तमान स्थिति को देखकर ही वैकेंसी होनी चाहिए, जॉब होना चाहिए, लेकिन ऐसा मानक नहीं है। मैट्रिक इंटर के मार्क्स को जोड़िए, ग्रेजुएशन के मार्क्स को जोड़िए, बहुत सारे उसमें कारण हो जाते हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा, अच्छे लोग नहीं आ पाते। फिर भी इतना तक ठीक है, लेकिन सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पर, उसकी क्या स्थिति है, आप स्कूल में जाइएगा तो परिकल्पना करिएगा, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इसको सुधारने की आवश्यकता है, जो भूल हो गया सो हो गया। कुछ ऐसे भी टीचर हैं जिसको 5 लाख का महीना भी दे दिया जाए तो वो पढ़ाने के सक्षम है ही नहीं पढ़ा पाएंगे। जैसे टीचर पैसे बढ़ाने की मांग करते हैं ना, 10% 5% ऐसे भी टीचर हैं जिसको 5 लाख दे दिया जाएगा ना महीना, तो फिर भी वो पढ़ाने के लायक ही नहीं, पढ़ा ही नहीं सकते, संभव ही नहीं, क्योंकि उनमें वो विद्वता है ही नहीं पढ़ा सकते। हमको 5 लाख रुपया महीना दे देकर लेक्चरर बन जाए, हो सकता है? हमें वो विद्वता नहीं है, नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि कभी उस चीज़ों को पढ़े नहीं। कितनों भी किसी को पैसा दे देने से अच्छा स्तर हो जाएगा, ये भी बातें नहीं है। देखिए हम लोग आते हैं इस पर पॉइंट पे।